दोस्तों, भारत पाकिस्तान के पास में ऐसे ऐसे गांव हैं जो कि आज भी गुमनाम हैं। और यहां पर अगर जब हम आते हैं तो वाकई में यहां के जो लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और साफ़ सफाई भी देखो कितनी रखते हैं, लेकिन ये जो घास फूस के झोंपे आपको बनाए हुए दिख रहे हैं, जो गोबर से बनाए हुए दिख रहे हैं ना, ये वैसे दिखने में तो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन इनके अंदर रहना और इन कच्चे झोंपों के अंदर रहना कितनी मुसीबत है और कैसा इनका कल्चर है, रहन सहन है। ये एक मालासर गांव है जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का नियरेस्ट, मात्र 2 किलोमीटर यहां से बॉर्डर लाइन है और ये बिल्कुल एक छोटा सा गांव है। तक आप नज़रें दौड़ेंगे वहां तक कोई दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखेगा, देखो ओनली रेगिस्तान के धोरे ही धोरे दिखेंगे। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो यहाँ एक तारबंदी है, गेट है, ये इस तरह से गेट है और इस गेट के अंदर जाते ही कुछ इस तरह से ये एक गोबर से बना हुआ एक खूबसूरत घर हमें दिखाई देता है। और ये इनके पानी का टांका है, देखिए शायद इन्होंने अपने हाथों से ही बना रहा है और इसके अंदर ये पानी टांगा है। ये आपने हाथों से बनाया है ना? तो सामने माता राम भी खड़े हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अंधी होगी दे सरकार कहीं नहीं दे, लेट नहीं दे, रात रात गोड़ा भंगावा जी, मथो ठाकावा या डूंडा में जी, इतनी समसा है। दादी जी, ये जो आपके कच्चे घर में देख रहा हूँ, ये आपने गोबर से अभी नीप रखे हैं? हाँ, ये गोबर से नीपा। हाँ, बहुत। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 65 साल आ गया। आपको 65 साल हो गए, यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए? यहाँ रहते 8 साल यदि 16 साल यदि गाँव में आई। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? पहली बांदेवा। हाँ, पियोर बांदेवा जी। 16 साल ये दिए था। ये बॉर्डर का अपना लास्ट गांव है। हाँ, इधर सामने बॉर्डर है और बॉर्डर का ये लास्ट गांव। गर्मियों में यहाँ पर कैसे हालात होते हैं? हालत कड़ी बुरी हालत हो जाओ। हाँ, चूल्हे मतलब बेहणी आसन पे। चलो आप घर के अंदर चलते हैं, दादी ये घर दिखाते हैं। दादी जी, मतलब यहाँ तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ना? कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, तो जैसे ही मैं अगर घर को देखता हूँ ना, तो यहाँ पर एक जी, तो आज भी मतलब बिना लाइट पानी के यहाँ पर लोग रहते हैं। सरकार नहीं देने ले, पले तो मैं जूता खोल देता हूँ। और आप इस घर के मुख्य हैं? जी जी। तो ये देखिए, पूरा का पूरा जो है गोबर से इन्होंने बना रखा है। देख, ये दादी जी कब निपाई करी आपने गोबर से? ये सब गोबर रखे रहा। हाँ, कब निपाई करी ये? अब ये निपाई कर दूर जावे नहीं। हाँ, जान में बोर बड़े कर करवा मथे निपणो पड़ा। ये मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पानी पुणी ये सब उठा के लाते हैं? हाँ, मैं सिर में ऊपर लाऊं कटियार में मिट्टी। हाँ, तगारी में गोबर लाऊं। हाँ, निपा फिर आप नीप लेते हैं। फिर निपा। और जब बारिश आती है फिर ये खराब हो जाए तो फिर नीपो? हाँ, ऐसे करते करते पूरी जिंदगी निकल गई। जिंदगी निकल गई मेरी, तो जिंदगी चली जाएगा। हाँ, बहुत मना समसा है, एक तो गोबर थक गई। हाँ, एक अंधी हो गई, एक लैटरी, एक पानी वाली थी सरकार सही बड़े पानी टूट के देने। अच्छा, बहुत समसा मना। तो पहले आज से 20 साल पहले आप पानी कितनी दूर से लेके आते थे और कैसे उठा के लेके आते थे? बहुत दूर तो टाको। हाँ, मोटा मोटा बालट खन जाओ दी, ठीक भर दे, अच्छा तक करते करते हिणा ही टूटे पानी वाली हुआ। तो मतलब इस गांव में अब पानी की समस्या कम हो गई? हाँ, हमें पानी ही कम। ये जो झोंपे हैं ये अभी कच्चे के कच्चे पड़े हैं? ये झोंपे कच्चे के कच्चे। कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटा है। अच्छा, ये मोटो मोटो है और 3 छोटा है। अच्छा, 5 लड़के। कमाई का, कमाई का जरिया? कमाई की पेट बकरे अदे जो मर गया, मैं कुछ दो दो बकरे, कुछ नहीं है, कुछ तेरे मेरे मुर्गी ऊपर 3 साल जो दाणो आवे, ठीक है, बीजू कुछ नहीं। ये सामने क्या चीज है बना रखी है? गर्मी हुए नी जाना वास्ते बाहर बाहर रोटी बनाओ, चाय बनाओ। और इसे आपकी भाषा में बोलते हैं कोठा? हाँ, एक कोठा। कोठा है ना, पुराने जमाने में। हाँ, पुराने जमाने में कोठा। अब ये जो आपका घर है ये बहुत पुराना हो गया, जैसे ये दीवार है पूरी खराब हो चुकी है, देखिए ये देखिए, ये कितने साल पुराना है? आपको खोल के देखूं इसको? खोल भाई, खोल ये देखो। अच्छा, ये देखिए। अच्छा, तो ये बहुत पुराना है मतलब। हाँ, ये देखिए, पहले आप इसी में रहते थे? हाँ, ये मेरा। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का लास्ट गांव है और इस गांव को कहते हैं मालासर। और ये है रसोई इनकी। हाँ, ये रसोई। और ये भी घास फूस से बनाई गई है। तो ये जो ऊपर वाली घास है ये भी पुरानी होती है? तो ये भी नहीं लगा, पुरानी ये पुरानी दूर दवा जाना और बड़े देना पड़े छत पहले, ये थी ये दूर गई जाना मैं ये मिलो। तो आपने तो पूरी जिंदगी इन कच्चे घरों में जिंदगी गुजार दी। मैं तो बाकी थोड़ी जो उम्र रही वोट तो आपके पड़ते ही है। हां बस,
पड़ता है। वोट तो देते ही हैं। हाँ वोट तो टाइम तो आ जाओ भाकर घात ले को भला कोई आवे कैसो नहीं ऐसो नहीं आज 3-4 साल हो गया रुपया मेरा तो प्लेटर वोट आला हो नहीं दे के वही दे थकी दिन नहीं को ठीक दो बार प्लेटर रुपया गोड़ाऊंगा सरपंच नानी रिश्वत और रिश्वत दिनी नहीं वहाँ कने रिया 4-4 हजार रिश्वत नोड़ी चीज नहीं। तो दादी जी जैसे आजकल तो सरकारी योजनाएं और बहुत गरीब लोगों को और मतलब धोरा धरती में रहने वाले लोगों को लाइट पानी और नए नए मकान बना के देती है सरकार, लेकिन आपके यहाँ पर कोई मकान नहीं बना के दिया है। कोई नहीं बनाना, कोई नहीं बनाया ये गाँव। ये मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हो गया है। अन्याय सरकारी गाँव वाला बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे क्या बोलते हैं ये दादी जी, इसका क्या नाम है? इसके में तो ए विधवा यार बाप आई को ना कड़ोली बोले। अच्छा हमारी रीते अच्छा कड़ोल की हुए। हाँ, वो कड़ी डालते हैं। हाँ, परना जाना मत टुचुगनी रखे ठीक है और धनी मर दावा जाना उतार ले। अच्छा ये पहली मार स्वागरो ये पैरा हुआ शादी करे ने रीति रिवाज है। बिल्कुल। तो मैं आपको पूरा घर दिखा देता हूँ। देखिए ये आपने कब निपाई करी? ये गट्टी पड़ी है गट्टी से। आज भी आप गट्टी से पूछते? हाँ, पहले गट्टी से पीस पीस रोटी खिलाओ दी। हाँ। अब हम जिन छोटे चक्कर चल गए नेड़ी गांव चकिया थोड़ा आसान हो गया काम। हाँ, हाँ। आज से 20 साल पहले जब दादी जी आप मतलब आपकी जब नए नए आप शादी कर गए। हाँ। तो उस समय भी समस्या तो बहुत थी। उस बहुत समस्या थी। हाँ। गिरे जाओ घटे कौन दे पीसन कौन दे ठीक है। फिर आप पुड़िया मंगाई। हाँ। इन ठाई टाँची थकार कर पीस दी टाबरा डावा टाइम पास करी ठीक। अब तो वो तरीको अजा वो सागी चले सागी 100 साल पुरानी जिंदगी। हाँ, 100 साल हमें अजा वो सागी जिंदगी चले। यहाँ की सरकार बोलती है हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन यहाँ बॉर्डर के गाँव की कोई हालत कोई हालत को नहीं कोई हालत कोई जगह में गरीब आए ना तो जान पछाणी कौन बिल्कुल नहीं बोल सके ने। क्या नाम बताया दादी जी आपका? दादी ना साहिबा। साहिबा दादी है और इस दादी का ये घर है भाई कच्चा देख सकते हैं आप। और ये रसोई है। और दिखाता हूँ मैं अंदर, ये है रसोई देखो है पूरी घास फूस से बनी हुई है। अंदर भी देखिए ये चूल्हा वूल्हा इन्होंने तैयार कर रखा है। तो आज भी जो है पुराने रीति रिवाज से लोग रहते हैं। अच्छा ये जो है ठंड में जो है इसके अंदर खाना खुना बनाते हैं और इसमें खाना खुना बना के इसमें सो जाते हैं ना बिल्कुल। तो ये अभी जैसे सर्दियां बढ़ रही है दोस्तों, तो सर्दियां भी भयंकर बढ़ रही है, तो सर्दियों में क्या है कि इसके अंदर खाना बनाते हैं गर्मी में। और गर्मी में आपका शुभ नाम क्या है? यासीन। यासीन भाई नाम है आपका। क्या काम रोजगार आपका? बस भेड़ बकरी का है, टाइम पास करते हैं। यही काम है ना। तो ये है बॉर्डर का आखिरी गांव माला। आखिरी गांव जहाँ बॉर्डर के कौन कौन से गांव है ऐसे लगते लगते पास पास? राजचंद वाला आ गया, खेरू वाला आ गया, गज्जे वाला आ गया, रंजीतपुरा आ गया, ये बारे वाला, बारे वाला, जीए वाला, बाला, ये सारे के सारे गांव हैं जो के पास बॉर्डर गए। कई गांव में तो टंकियां वंकियां बन गई है, बन गई। आपके गांव में नहीं बनी है? गांव नहीं बनी। तो आपके गांव के हालात थोड़े दर्दर हैं। तो ये जो है इस तरह से इन्होंने कुछ डिजाइन किया। तो मतलब दोस्तों देखिए व्यवस्थाएं नहीं है फिर भी जो है जिंदगी में संघर्ष है और कुछ इस तरह से इनका घर है। देखिए तो बॉर्डर के गाँव में घूमता हूँ मैं, देखता हूँ उनके जनजीवन को दिखाता हूँ, लेकिन वाकई में दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं, लेकिन यहाँ तक सरकारें वाकई में कोई व्यवस्थाएं नहीं करती। और इनका कल्चर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये है कोठा और इस तरह से इनका ये कोठा है देखिए। और ये सारे का सारा ये गोबर वगैरह पानी है जो कि एक मटकी में आपको देखने को मिलेगा। और दादी जी कहते हैं कि जो घी से महंगा पानी होता है यहाँ पे है। घी से महंगा महंगा बिल्कुल महंगा होता है। सत्य बात है बिल्कुल। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा जो है साफ सफाई। दादी जी आपने साफ सफाई बढ़िया कर रखी है मकान। साफ सफाई मैं आप मेहनत हाथरी नहीं हाथरी मेहनत है जनरल बैठोड़ा बजे सफाई रखू। हाँ। जो कुछ नहीं रोजी नहीं खुदा दे तो या साफ सफाई तो अपनी हाथरी है बिल्कुल 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 जना बनानी पड़े। रोजगार नहीं है ना। हाँ, रोजगार वाली तो मुंजा रही है। बॉर्डर पे रोजगार नहीं है। रोजगार होता तो आप खुद ही कमाई से घर बना लेते हैं। कमाई से घर बन जाओ आज सब ने ओपे घर बढ़िया बने हो तो बहुत सुठो लगे न। बिल्कुल बिल्कुल ना जना हुआ की पटोन चक पटोन या गोबर मिट्टी बस यही धंधो यही काम है धंधो। ये भी डिजाइन आपने खुद नहीं बना रखी है? हाँ ये डिजाइन सब। आप कौन से मुसलमान है? जुनेजा फुलपोतरा। फुलपोतरा जुनेजा। हाँ। आपके भी परिवार कुछ पाकिस्तान में छूट गए वो भी है उधर? उधर है।
उधर है ना, तो वो तो जब 61 की लड़ाई हुई थी उस समय आधे उधर रह गए, अब तो क्या है कि वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना कर बस रहे हैं, अपने मरण जीना कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है ना। आप सगे बहन परिवार के लोग भी हैं? अच्छा, याद आती है? याद तो छे, अपना खून है, आती है नूर ग्योर एक घर में एक था। अच्छा, हालत बिगड़ गई, हमें नूर मंदी होगी, हमें बहुत लेट सरकार दे दे, कोई प्लेट दे दे तो सोचो तो करा, इशारों से काम करती है ऐसे। हाँ, दिखता नहीं है तुम्हें? दिखता कौन है, आप अगर ऐसा रात्रि ठा भी जो जो आओ सही सही रली गुदड़े ऐसा रन जाओ, मतलब क्या कोई ठाको लग जाओ गोदे में। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी मन समसा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके पास भेड़ बकरियां कोई 5-4 होगी अब तो? हैं हां, ये 4-5 बकरे, भेड़ कौन है, ये रिडा है और 4-5 बकरे, बस इतना ही धन है। तो ये है इनका घर, और मैं चाहूंगा कि भाई सरकारी योजनाएं इनको भी मिले, और ये भी जो है भारत के निवासी हैं, ये परमानेंट वोट देते हैं। मालासर में सब में शमशान में सरकार चीज मना कोई नहीं मिली, कोई नहीं मिली, कोई नहीं मिली। तो दादी जी हैं, दादी जी बड़े परेशान हैं, और सभी से मैं कहूंगा कि भाई इनकी प्लेटों लगा, लाइटों लगा, कुछ नहीं, सरकार अपन 5 रुपये फायदा नहीं आए, कोई घर में नहीं आए। तो इस तरह से ये कच्चे कच्चे घर जो हैं इस गांव में काफ़ी बने हुए हैं दोस्तों। ऐसे ही जो है धुरा धरती की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दादी जी? ठीक, अल्लाह खुश रहे जी।